तो हनुमान जी नहीं के फाड़ के आपको कलेजा दिखा देवे, मैं भूखे भी रह करके इसको पढ़ाते हूँ। एक माँ है जो अपने बेटे को इस तरह गोद में उठा के चलती है, बेटा दिव्यांग है, औरंगाबाद घर है इनका। टीईटी का जो आंदोलन हो रहा है, टीईटी पास जो अभ्यर्थी 2017 में जो पास किए वो आंदोलन कर रहे हैं, उसमें ये भी शामिल हुए हैं। इनकी भी मांग है कि नीतीश कुमार सभी जो आंदोलनकारी हैं जो 50,000 के करीब पास किए हैं टीईटी 2017 में, सबको टीचर की नौकरी नीतीश कुमार दें, जिससे इनके बेटे को भी नौकरी लग जाए और घर अच्छे से चल सके। घर की स्थिति कैसी है? नहीं चलता है सर, भूख लहू रह के पढ़ाते हैं। अब तो हनुमान जी नहीं के फाड़ के आपको कलेजा दिखा देवे, मैं भूखे भी रह करके इसको पढ़ाते हूँ। कितना लगा बीएड कराने? बीएड में लगा है 2 लाख। कहाँ से लाए 2 लाख? 2 लाख कुछ लोन तो लिए और जमीन 4 कट्ठा बेच दिए हैं। कहाँ से लाए 2 लाख? कुछ लोन लिए, लोन प्राइवेट मिलता है ना, किस्त देता है हफ्ता पर, वो ले लिए हैं 1 लाख। जमीन 4 कट्ठा बेच दिए हैं। हाँ बीएड करना है। पूछ लीजिए हमको गांव में जा करके कि हम झूठ बात कर रहे हैं कि सच कर रहे हैं। और लोग पढ़ाने भी नहीं दे रहा था, बोल रहा था कि जमीन बेच के तुम पढ़ाएगा, अब छोड़ दो। बीएड कराए हैं, एमएससी कर रहा है अभी, पहला सेमेस्टर परीक्षा दे दिया है। हाँ बाबूजी क्या करते हैं? ऐसे प्राइवेट काम करते हैं, मोटरी गेटरी खोलते हैं सूरत में। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, इसको में लगले रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू सिंह है। कहाँ से कर रहे हैं एमएससी? एसएन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद। हाँ टीईटी पास 2017 में? नहीं सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ बाबूजी का क्या नाम है? मेरा पिताजी का नाम है गजाधर सिंह। नौकरी लेने के लिए तो कोई कहीं जा सकता है। विकलांग होते हुए, दिव्यांग होते हुए एमएससी कर रहे हैं। हाँ। बीएड किए और कैसा रहा ये संघर्ष, किस तरह का रहा? क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई करना, आप खुद से चल नहीं पाते, माँ उठाती, तो कैसे जाते थे स्कूल कॉलेज? मेरी माँ ले जाती थी, मेरी माँ। हाँ इनको कॉलेज भी लेके जाते थे? जाकर पूछ लीजिए सर से, पटना के तो सर हैं प्रिंसिपल सर। हाँ 3 महिला पर चढ़ाते हैं और वहीं बैठा रहते हैं, जब क्लास कर लेता है तो 3:30 बजे छुट्टी होता है तो लेके मैं अपना घर जाता हूँ, और फिर घर से बना खा के और इसको पहना ओढ़ा कर फिर लाता हूँ। ट्रेनिंग कराया हूँ 6 महीना, जाकर पूछ लीजिए, एक को दिन नागा नहीं, 6 महीना ट्रेनिंग करवाए हैं। नीतीश भैया के प्रणाम करते हैं, हम अपना लड़का के लिए रोजी मांग और रोटी मांगने आए हैं। हम बुढ़ापा हो गए हैं, हमसे अब उठता नहीं है। हम तो एक क्लास ले कर पढ़ाते पढ़ाते बीएड फाइनल करा करके और एमएससी करा रहे हैं, अब हम कितना दिन तक ले जाए? अब सब हमारे, सब तो हमारे बेटे हैं या सब बेटियां हैं, मर रहे हैं अपना नौकरी के लिए। हम यही मांगने आए हैं कि सबको नौकरी दे दीजिए, यही में हम लोग के सबको कोई खुशी है। हम कुछ नहीं मांगते हैं उनको से, बस नौकरी हमको दे दीजिए। काम धाम घर को भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई इसका कहीं आज तक नहीं छोड़ाए हैं, पूरा कंपटीशन भी ले कर चल जाते हैं, कोई एग्जाम रहता है तो ले जाते हैं। आज तक इसको एक एग्जाम नहीं छोड़ाए हैं सर, एक एग्जाम नहीं छोड़ाए हैं, अपना जान जहान दे करके। और हम 3 बजे उठते हैं, एक थो और है 10 साल के है। हाँ सर 3 वो है। शादी हो गई सर? हाँ सबको पढ़ाए हैं मैट्रिक। घर में आप ये और? हाँ 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 सर, हाँ 3 को हम नहीं है घर में। तालब जनरल ओबीसी एससी एसटी? ओबीसी ओबीसी कुशवाहा। तो हम बहुत गरीब आदमी हैं और बहुत कमजोर हैं, अब इतना करते हुए अपने बेटा के इतना तक हम पहुंचा दिए, तो हमको बेटा के अब रोजी रोटी दे देवें, चाहे 1 रुपया के देवें चाहे 1,000 के देवें। अब जितना ही हमारा बाबू लोग सब भूखे मर रहे हैं, तो सब हमको साथ दे रहे हैं, तो हम सब के लिए मर रहे हैं, सब लोग के लिए हम मर रहे हैं। आज हम जल अपना सब त्याग दिए हैं, अन्न पानी सब त्यागे हैं, आज एकादशी किए हैं, तब हम अपना घर से इसको टांग के लाए हैं। किसी तरह हम आप भूख लहू में हम इसको लेके चलते रहते हैं, एग्जाम नहीं छोड़ाते हैं, चाहे कहीं नहीं इसको छोड़ाते हैं। अच्छा बिहार से बाहर जब एग्जाम होता है कहीं कंपटीशन, रांची में या टीईटी वगैरह सीटी का, तो कैसे एग्जाम दिलाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं? हाँ सुनिए ना सर, हमको एग्जाम, इसको एग्जाम था 5 तारीख के एमएससी के, तो हम 4 तारीख को घर से निकल गए 4 बजे और वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ रहे डेरा लेके और सुबह परीक्षा दिलवाए, फिर दूसरा दिन दिवाए, फिर तीसरा दिन, 3 दिन हुआ था। और तो फिर एक तो इसको वहाँ छत्तीसगढ़ इसको कंपटीशन था टीएटी के, तो हम शाम को गाड़ी धर लिए औरंगाबाद, अब बस धर के हम गए रायगढ़, वहाँ छत्तीसगढ़।
और वहाँ परीक्षा दिवा करके और फिर हम उसी दिन हम बिहानी पहर एक दिन में हम उड़ीसा से हम आ गए यहाँ आ इसको 12 तारीख हम परेडकल दिवाए और फिर परेडकल दिवा करके हम घर आ गए। इतना हम जल्दी करते ना हैं कि आज तक हम कभी इसको कंपटीशन नहीं छोड़ाए हैं। हम इलाहाबाद गए थे दीवाने, हम गए थे छत्तीस वहाँ अहमदाबाद दीवाने, हम गए थे यहाँ एक ठो और मुजफ्फर भी दीवाने, हम गए थे वहाँ दरभंगा दीवाने। इतना इतना ठग हम अकेले इसको लेकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं और लेकर चलाते हैं, किसी को सहारा नहीं। उनकी भी पढ़ने की लालसा इच्छा बहुत है। बहुत हम लोग दोनों परिवार के चैन नहीं रहने देता है पढ़ने के विषय में, मारने भी लगता है नहीं जाता हूँ लेकर। तो कहता कि मैं घर में रह के क्या करेंगे, हम बाहर में जाएंगे अपना स्कूल में जाएंगे कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ेंगे, हम नौकरी करेंगे तो हमारा आगे के भविष्य बन जाएगा, तो हमारा तुम भी ना रहेगा तो कोई भी हमारा कर सकता है, हम कैसे खाएंगे। आपने से एक गिलास पानी नहीं पीता है, देखिए हाथ हाथ भी नहीं काम, देखिए कुछ नहीं ऐसे करता है, पानी नहीं देने तो अच्छा, हाथ हाथ भी नहीं उठता बढ़िया से। नहीं ये वाला हाथ उठता है, लिखते हैं इससे ये नहीं उतना उठता है, नहीं मतलब व्हील चेयर पर मेरी माँ क्लास कराने ले जाती थी, वो जो व्हील चेयर नहीं होता है उस पर सीढ़ी पर हम नहीं चढ़ते, ले कर चढ़ती है माँ मेरी। हाँ गोद में वो भी सर व्हील चेयर टूट गया तो पैदल चलते हैं बहुत। रुकिए हम अपना सर्टिफिकेट दिखा देते हैं। तो ये एक संघर्ष उनके लिए भी है जो ये कहते हैं कि पैसों के अभाव में हम पढ़ नहीं पाते हैं, यहाँ पैसों का भी अभाव है और शारीरिक दिव्यांगता भी, बावजूद इसके ये संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष में इनके संघर्ष में इनकी माँ पूरी तरह इनके साथ है। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।